हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से मैं आपको ट्वेल्थ की एक पोएम के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और अब तक सारे पोएम्स एंड चैप्टर्स, प्रोजेस, प्लेज वगैरह आपने देखे, आपने सुने, आपने सीखा, और हर बार कोशिश यही रही कि चीज़ों को आसान रखूँ। इस पोएम को भी मैं कोशिश करूँगा आसानी से समझाने की आपको। अगर आपके पास बुक्स इस वक्त नहीं हैं तो आप अपनी बुक्स लेकर अपने पास बैठ जाएं। तो आज हम ट्वेल्थ की एक पोएम देखने वाले हैं, अस्लीप इन द वैली। तो इस वक्त बुक मेरे पास है, आप भी अपनी बुक ले लें और चलो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। अस्लीप इन द वैली, ये लिखा किसने था आप देख सकते हो। इनका पूरा नाम जीन निकोलस आर्थर रिम्बैंड था, और 1854 में ये पैदा हुए थे और 1891 में इनकी डेथ हो गई थी। तो कहा गया है कि वॉज अ फ्रेंच पोएम फ्रॉम द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी से ये एक फ्रेंच पोएम थे, पोएट थे। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इवन बिफोर ही रीच्ड हिज टीन्स, यानी कि इन्होंने 13 वर्ष की उम्र से पहले ही पोइट्रीज लिखना शुरू कर दिया था। टीन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको बता दूं कि 13 से लेकर 19 साल की उम्र को टीनेज कहते हैं। तो ये कहा गया है कि इन्होंने 13 से पहले ही पोइट्रीज लिखना शुरू कर दिया था। एंड देन अगली लाइन में हम देखते हैं कि ही स्टॉप राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 19, यानी कि 19 साल की उम्र में इन्होंने पोइट्री लिखना बंद कर दिया था। तो अब इन्होंने क्या क्या लिखा है आप देख सकते हो। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड टू म्यूजिक, इवनिंग प्रेयर, ये सारा कुछ इन्होंने लिखा है। और जो आज हम ये पोइट्री देखने वाले हैं, दरअसल अगली लाइन में क्या लिखा आप देख सकते हो कि द प्रेजेंट पोएम ओरिजिनली टाइटल्ड लिडोरमेयर लेवल वॉज इंक्लूडेड इज कलेक्शन, इज कलेक्शन ऑफ पोइट्री कॉल्ड पोएसिस 1872। यानी कि ये कहा गया है कि आज जो हम ये पोइट्री देख रहे हैं अस्लीप इन द वैली, दरअसल इसका असली नाम अस्लीप इन द वैली नहीं था। इसका असली नाम क्या था आप देख सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है कि लिडोरमेयर लेवल, ये इस पोइट्री का असली नाम है, जिसे कहाँ रखा गया था, इनके एक पोएसिस, मतलब पोइट्रीज का इनका एक कलेक्शन था, पोएसिस में 1872 में इस पोएट्री को जगह दी गई थी। तो दिस पोएम हैज 14 लाइंस वेयर द पोएट एक्सप्लोर्स इन इनहेरेंट फर्टिलिटी ऑफ वॉर। दिस थीम इज एक्सपोज इन द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ माउंटिंग नेचर एज बैकग्राउंड एंड द ट्रेजिक डेथ ऑफ अ यंग सोल्जर इन द मिडस्ट ऑफ नेचर स्प्लेंडर। यानी कि इस पोएम के माध्यम से, इस पोएट्री के थ्रू जरिए, ये जो पोएट हैं ये एक सोल्जर के बारे में बता रहे हैं जिनकी वॉर की वजह से, यानी कि युद्ध में जिनकी मौत हो जाती है, बहुत दुखद मौत होती है, और वैली यानी कि जो वादी है, वादी में इनकी मौत होती है। तो अब इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अच्छा, ये एक और चीज़ आपने यहाँ देखी कि द पोएम हैज़ 14 लाइन्स, यानी कि इस पोएम में 14 लाइन्स हैं। तो अब आपको बता दूं कि जिन पोएम्स को 14 लाइन्स में लिखा जाता है उन्हें कहते हैं सोनेट। आई रिपीट, अगर आपको नहीं पता है तो सोनेट किसे कहते हैं, सोनेट वो पोएम्स होती हैं जिन पोएम्स में 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स। और एक और बात आपको बता दूं अगर नहीं पता है तो, इन 14 लाइन्स में स्टार्टिंग की 8 लाइन्स को ऑक्टिव कहा जाता है, आई रिपीट, ऑक्टिव, और बाकी की जो 6 लाइन्स होती हैं 14 के बाद पोएम में, उसे कहते हैं सेस्टेट, आई रिपीट, सेस्टेट। तो ये सोनेट 14 लाइन्स की होती हैं, ऑक्टिव एंड सेस्टेट। राइट, अब स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेर अ स्लो स्ट्रीम्स फ्लोज एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम्स द सन्स रेज दे फिल फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। अब इस पहले स्टैंजा का मतलब ये हुआ, कह रहे हैं कि एक वैली यानी कि जो एक हमारी घाटी है उसमें क्या है कि एक नदी बह रही है, और वादी दरअसल होती कैसी है कि दोनों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में एक वादी होती है जो खाली होती है। उसमें क्या होती है, नेचर होता है उसमें, उसमें ग्रीनरी होती है, उसमें पेड़ पौधे होते हैं, उसमें कई सारे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वही कहा गया है कि उस वैली में एक नदी बह रही है, और उस नदी में क्या हो रहा है कि माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ों की चोटी पर जब सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं, तो उन किरणों की वजह से क्या होता है कि वो किरणें सूरज की वो उस नदी पर भी पड़ रही हैं,
और जिन जिन चीजों पर वो सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटी से पड़ रही हैं, उन चीजों को वो क्या कह रही हैं, वो एकदम सुनहरा बना दे रही हैं, यानी कि गोल्डन कलर का बना दे रही हैं, सुनहरा। और इसी बीच में क्या लगता है कि एक जो नदी बह रही है वहां पर, उसमें ऐसा महसूस होता है कि कोई एक सिल्वर कलर की एक तार, एक रस, लंबी सी एक रस्सी टाइप की है, तो वो रिफ्लेक्शन एक्चुअली है। वो कहा गया है कि वो सूर्य की रेज जो है, सन की सन रेज का रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। आगे देखते हैं कि अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड अस्लीप स्ट्रेस्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड। तो अब यहां कहा गया है सेकंड स्टैंजा में कि एक सैनिक यानी कि एक सोल्जर जो बहुत ही यंग है, नौजवान है, वो अपना मुंह खुला है, उस सोल्जर का मुंह खुला है और वो सोया हुआ है उसी वैली में, उसी वादी में वो सोया हुआ है। कैसे सोया है कि वो पत्तों पर सोया है, फूलों पर सोया है, यानी कि जो उस प्राकृति नेचर जो है उसके अंदर जो कई तरह के अलग अलग पौधे होते हैं, कई तरह के अलग अलग फूल होते हैं, तो ऐसे ही कहा गया है कि उनका जो बिस्तर है यानी कि जिस पर वो सोए हैं, तो उनके नीचे कई तरह के हरे हरे लीव्स हैं, पत्ते हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, तो उन्हीं पत्तों और फ्लावर्स से उनका एक बेड तैयार हुआ है और एक एक तकिया यानी कि सिरहाना जो है, पिलो, वो तैयार है जिस पर वो अपना मुंह खोल करके आराम से सोए हुए हैं। और पेल इन इज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, और वो क्या है कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उन किरणों को वो बेड जो है वो सोख रहा अपनी तरफ से, और वो पीला टाइप का हो गया है। पेल मतलब होता है पीला, तो वो पूरा येलोइश हो गया है ऐसा कहा गया है। हिज फीट अमंग द फ्लावर्स ही स्लीप्स हिज स्माइल लाइक एन इन्फेंट जेंटल विदाउट गाइल। तो वो कह रहे हैं कि वो उनके जो पैर हैं, इस सोल्जर के, सैनिक के जो पैर हैं, वो किस तरफ हैं, वो फ्लावर्स में हैं, यानी कि फूलों में उसके उनके पैर हैं और वो सोए हुए हैं। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स जेंटल विदाउट गाइल, यानी कि उनकी जो मुस्कुराहट है वो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी जो मुस्कान है वो बहुत एक छोटे बच्चे, एक मासूम बच्चे की तरह है, जिसके अंदर कोई छल कपट, कुछ भी किसी भी तरह का कुछ गलत चीज़ नहीं होती है, एकदम साफ मन होता बच्चों का। उसी तरह कहा गया कि बच्चे की तरह उनकी एक स्माइल है, बिना किसी छल कपट के, एकदम इनोसेंट, एकदम मासूम। अह नेचर कीप हिम वार्म ही मे कैच कोल्ड। तो अब ये जो पोएट हैं वो नेचर यानी कि प्रकृति से एक गुजारिश कर रहे हैं, एक दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेचर इन्हें गर्म रखो, ताकि इन्हें, इनका शरीर जो है वो ठंडा ना पड़ जाए, इन्हें गर्म रखो, गर्माहट रखो। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। और वो जो इंसेक्ट्स हैं, जो वहाँ पर जो कीड़े होते हैं, वो कह रहे हैं कि हे कीड़ों, इनकी रेस्ट को, यानी कि ये जो आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इनके आराम में खनन मत बनो, यानी कि इनके आराम को डिस्टर्ब मत करो। हे स्लीप्स इन सन लाइट वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, यानी कि वो सन लाइट यानी कि सूर्य की रोशनी के तले वो सोए हुए हैं, और एक हाथ उनका उनके चेस्ट पर है, यानी कि उनकी छाती पर है। एट पीस, यानी कि एकदम सुकून से सोए हुए हैं, एकदम शांति के साथ। In his sight there are two red holes. अब ये आखिरी की लाइन में हमें पता चलता है कि वो दरअसल जो सोल्जर हैं वो सो नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो चुकी है, वो वॉर में मर चुके हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हो लास्ट लाइन कि इन हिज साइड देर आर टू रेड होल्स, यानी कि उनके साइड में दो रेड होल्स हैं, यानी कि दो गोलियां उन्हें लगी हैं, यानी कि दो गोलियों से उन्हें मार दिया गया है, वो मृत हैं। तो ये दरअसल पोएम थी, और इस पोएम के माध्यम से जो राइटर हैं, सॉरी जो पोएट हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि वॉर्स वगैरह में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो वॉर्स में क्या होता है, वॉर्स में केवल और केवल नुकसान ही होता है, क्योंकि मासूमों की जान जाती है, देश के वो नागरिक भी मर जाते हैं वॉर्स में, सोल्जर्स भी अपनी जान गंवा देते हैं। तो वही ये पोएट बता रहे हैं कि इन वॉर्स वगैरह में कुछ नहीं रखा है, हमें शांति से रहना चाहिए, वॉर्स को नहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए, वॉर्स नहीं होने चाहिए दुनिया में। तो ये पोएम थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया। अगर ईजी लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अब तक सारे वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे कुछ और भी पोएम्स और प्रोजेज एंड प्लेज लेकर के आऊँगा। अब तक के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।